आज हम मक्की के आटे से बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाएंगे। इसको आप मक्की का चीला भी बोल सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत हेल्दी है। आप इसको लेस ऑयल में भी बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखते हैं अपनी डिलीशियस सी रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। मैंने ये 1.5 टेबल स्पून मक्की का आटा लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। 1 टेबल स्पून ये बेसन है, इससे टेस्ट भी बढ़ेगा और हेल्दी भी रहेगा। 1/2 टेबल स्पून ये चावल का आटा लिया है, इससे बहुत अच्छा क्रंचीनेस आएगा। 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको भी ऐड करेंगे। कटा हुआ प्याज लिया मैंने थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी ये हींग है, इसको भी ऐड करेंगे। ये कटी हुई धनिया और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, पेस्ट बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो पानी है उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। इसी तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए पेस्ट बनाएंगे। आप चाहें तो इनमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। यहाँ पर मैं ये थोड़ी सी कटी हुई मशरूम ले रही हूँ, इसको भी ऐड कर देंगे, इससे और भी हेल्दी हो जाएगा ये। थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा है और ये दही, इसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है, बैटर तैयार हो गया है। अभी इसको उठा के 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे ये सेट हो जाएगा। 15 मिनट के बाद में बैटर को चेक करेंगे। ये देखिए, अच्छे से सेट हो चुका है। कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट है। इसी कंसिस्टेंसी में रखना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तवा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, थोड़े से ये सफ़ेद तिल डालेंगे इसके ऊपर। गैस का फ्लेम लो रखना है। कलौंजी है ये थोड़ी सी, इसको भी स्प्रिंकल कर देंगे। और जो हमने बैटर तैयार किया था उसको इस तरीके से पूरे में फैलाना है। इसको ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। शेप भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से अच्छे से फैला देंगे। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही हेल्दी बनता है और बहुत अच्छा लगता है। फैलाने के बाद में इनके ऊपर थोड़े से ये सफ़ेद तिल और स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी ये कलौंजी, इसको भी डाल देंगे। थोड़ा सा ये तेल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। और 5 मिनट के बाद में इसको चेक करेंगे। देखिए, चीला नीचे से सिक चुका है, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर है ये भी सूख गई है। थोड़ा सा तेल डालेंगे, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो ऐसे भी सेक सकते हैं आप इसको। तेल लगाने के बाद में इसको ये देखिए स्पैचुला की हेल्प से पलट देंगे। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चीला सिका है। इसको हमने धीमी आंच पे सेका था तो ये नीचे से एकदम क्रंची हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक सिक गया है। इसी तरीके से पलट पलट के इसको सेक लेंगे, तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से चीला सिक चुका है। देखिए, आपका चीला बनके तैयार है। बहुत ही जल्दी बन जाता है। इस गर्मा गर्म चीले को आप हरी चटनी के साथ में या फिर रायते के साथ, सब्जी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ईजी है इसको बनाना। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।